हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी पर्यावरण का हम पार्ट दो लेकर आ चुके हैं। पार्ट दो है, यहाँ पर आप देखेंगे कान कान में। तो हम ये देखिए पूरा सॉल्व करने वाले हैं इस पार्ट को, ये पार्ट है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा, हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, आँखें, कान, नाक, त्वचा। आंसर आप करेंगे कान करता है, तो इसका आंसर आपको क्या कर लेना है, कान। प्रश्न दो देखेंगे। प्रश्न दो है कि किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, ये यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है भैंस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपको प्रश्न दो नंबर का है, किस जानवर को दूर से देखने पर उसकी खाल पर बाल दिखाई नहीं देते, किंतु पास से देखने पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने दो लिखे हुए हैं, पहला हाथी और दूसरा भैंस, ठीक है। अगर अभी तक आपने पार्ट एक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। हमने आपको हिंदी विषय का संपूर्ण हल बता दिया है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, इंग्लिश का भी हमने लगभग लगभग आपको बता दिया है, कक्षा चौथी का, और मैथ का भी बता दिया है। इन सभी के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल के साथ देख सकते हैं। इसकी भी हमने क्या प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्ट दो का, जेब्रा के शरीर पर सफ़ेद काली पट्टियाँ जैसी डिजाइन किससे बनी होती हैं। तो शरीर पर जो बाल होते हैं उससे बनी होती हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर ये कर देंगे। इसके बाद प्रश्न चार देखें। प्रश्न चार है कि छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते तो वह अंडा देगी या बच्चों को जन्म देगी। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, अंडा देगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न पाँच है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते फिर वह सुनते कैसे होंगे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर लोगे। इसके बाद प्रश्न छः देखिए। प्रश्न क्रमांक छः है, ऐसे छः जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और खाल पर बाल भी होते हैं। तो पहला आप लिखेंगे भैंस, दूसरा गाय, तीसरा कुत्ता, चौथा बिल्ली, पांचवा हाथी, ये आपको लिख देना है। प्रश्न सात देखें, आप अपनी एड ग्रेड को सामने रखकर लिखें। वीडियो को जब चालू करें तो आप अपनी पुस्तक को अपने साथ लेकर खोलकर आप उसको भरते चलें। प्रश्न सात में आप लिखेंगे, ऐसे जानवरों के नाम एवं विशेषताएँ लिखिए जिनकी खाल पर पंखे होते हैं, है ना। तो यहाँ पंख होते हैं, तो यहाँ पर जैसे मोर हो गया पहला, दूसरा आपका कौआ हो गया, तीसरा मुर्गी, चौथा बत्तख और पांचवा कबूतर। तो यह आपको वह नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। पर इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक आठ। प्रश्न क्रमांक आठ है, क्या आपने कभी अपने आसपास ठंड बारिश के मौसम में किसी जानवर की मदद की है, अगर की है तो लिखिए। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, हाँ हमने ठंडी के मौसम में गाय को कपड़े से ढककर मदद की है। इस तरीके से आप प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से करोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक नौ। प्रश्न क्रमांक नौ आपका है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम लिखकर उसके बारे में लिखिए। जैसे नाम तो हमने बाघ लिखा है, कहाँ रहता है, जंगल में। कान कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। खाल कैसी होती है, मोटी बालों से ढकी होती है। और अंडे या बच्चे देती है, तो ये बच्चे देती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका प्रश्न नौ का उत्तर यहाँ से कर लोगे। प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके बाद देखिए प्रश्न दस। प्रश्न दस है कि दिए गए जानवरों के नाम लिखिए, तालिका पूर्ण करिए। जैसे गाय, मगरमच्छ, मोर, बिल्ली, मेंढक, लोमड़ी, कौआ, गौरैया, ऊँट, बगुला, हाथी, चूहा, ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन बाहर दिखाई नहीं देते, कौन बाहर दिखाई दे सॉरी स्टूडेंट्स क्या है कौन नहीं कान है कान बाहर दिखाई नहीं देते, कान बाहर दिखाई देते हैं, अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। तो कान बाहर दिखाई नहीं देते, तो मोर के कान बाहर नहीं दिखाई देते, कौए के नहीं दिखाई देते, गौरैया, बगुला, मेंढक। और क्या जो कान बाहर दिखाई देते हैं, गाय के हम देख सकते हैं, बिल्ली के, लोमड़ी के, ऊँट के,
ठीक है। इसके बाद अंडे देते हैं तो कौआ, बगुला, मोर, गौरैया अंडे देते हैं, जबकि बच्चे गाय, बिल्ली, लोमड़ी, ऊँट ये बच्चे देते हैं। यहाँ से आप इसको पूरा बॉक्स को यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने पार्ट दो भी कंप्लीट कर लिया है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों बिल्कुल ही फ्री होता है, ओके। ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।